जैन साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय, रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको जो नंबर अल्फाबेट का जो प्रॉब्लम्स होता है, यानी कि अक्षर का प्रॉब्लम्स है, ये रीजनिंग में अक्सर एक दो नंबर का आता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, SSC, GT हो, आता है। तो आप इसको लास्ट तक फॉलो कीजिए और देखिए इसका एक दो नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्या होता है जो नंबर का पहचान है, ए से जेड तक हम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट और राइट की पहचान होना बहुत ही जरूरी है। तो इस ढंग से हम जब लिखते हैं वर्ड को, ए से जेड तक हम लेफ्ट की तरफ से लिखते हैं, और इधर से जब जेड से आता है तो ये राइट है, ये इस तरफ जेड से ए की तरफ आएगा तो राइट की तरफ आएगा, और ए से जेड की तरफ जाएगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। एक तो ये होता है, जैसे अंग्रेजी अक्षर का जे कितने नंबर पे आता है, बाएं से अगर हम देखे जाएंगे तो जे 10 नंबर पे आता है, और राइट से यानी कि दाएं से अगर पूछा जाए जे कितने नंबर पे आ जाएगा, तो जे कितने नंबर आएगा, तो यहां से गिनती करना शुरू होगा, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 नंबर पे आता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है, जब हम यहां से 10 देखेंगे और ये 17वां देखेंगे तो इसकी जोड़ हमेशा 27 हो जाता है। अगर जे जे एक वर्ड है, अगर बाएं से इसका कितना नंबर है, 10 है, और दाएं से इतना कितना नंबर है, 17 है, यानी कि 10 और 7 जो है 27 हो जाता है। तो इसमें से जब एक्चुअल नंबर होगा, एक को हम माइनस करते हैं जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया, तो इसमें से आगे हम बताएंगे इसको क्या करना है। यह है दूसरी है, अगर विपरीत क्रम में लिखा जाता है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है मतलब जेड से शुरू होता है और ए तक, ये भी एक क्वेश्चन आता है विपरीत क्रम में लिखा जाने से क्या होता है, लेकिन नंबर सिस्टम के एक से इधर से हम शुरू करेंगे, इधर से आप जैसे जैसे क्वेश्चन पे बनेंगे बताएंगे उसी हिसाब से हम शुरू करेंगे। हमारा काम है ये जिन अक्षर है इसको याद रखना, कौन सी अक्षर कितने में है, कौन सी तरीके से, जैसे एक अक्षर है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, यानी कि ए से ई तक पांचवा वर्ड है, फिर एफ सिक्स्थ है, एफ कितना है, सिक्स्थ है, के कितना है, 11th है, 6, 5, 11, पी कितना 16 है, यू कितना 21 है, जेड कितना 16 है। ये एक याद करने का तरीका है, ये एक टाइप है, ये आपको याद करने से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार होगा। इसी तरह की टी ई ई हमेशा 5 नंबर पे है, जे 10 नंबर में, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो ये तो डी 4 नंबर 3 नंबर है, एक तरीका है 5, 10, 15, 20, यानी कि ई जे ओ टी वाई, ये भी याद है, ये भी 6, 11, 16, ये भी याद करने का एक तरीका है। इसको जितने आप जल्दी याद करोगे वो कौन सी अक्षर कितनी लेटर में आता है तो उतना आपके लिए आसान रहेगा। अभी हमें करना क्या है, क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार है, इंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा शब्द दाएं छोर से छठवां है, दाएं, दाएं मीन्स राइट, राइट सबसे छठवां है, मतलब यह छठवां हम गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां मतलब ये यू है। और दूसरा बोला बाएं और तेरहवां अक्षर है, बाएं और तेरहवां अक्षर हम लिखते हैं बाएं और तेरहवां अक्षर, बाएं और तेरहवां अक्षर तो ये क्या है, ये है, एम है, बाएं और तेरहवां अक्षर बाएं, लेफ्ट से, लेफ्ट से जो है बाएं मीन्स लेफ्ट और दाएं मीन्स राइट, ये लेफ्ट राइट को अगर आप इसको ध्यान रखना, अगर हिंदी से आसान अगर इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश को भी फॉलो करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का ऊपर इंग्लिश में रहता है नीचे हिंदी में रहता है, तो ये लेफ्ट राइट को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि छोटी सी भाषा में भी थोड़ा सा अंतर है, बाएं दाएं और ऐसे भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना है। जो शब्दों की दाएं छोर से छठवां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से सिक्स्थ, राइट से सिक्स्थ है यू, और लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट में तेरहवां, लेफ्ट से तेरहवां है एम। क्वेश्चन में दिया है इसके बीच में कितना अक्षर है, तो इसके बीच में कितना अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, यानी कि इसको अगर हम 4 बात दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, इधर से भी हम 4 बात देते हैं, 1, 2, 3, 4 बात देते हैं, तो बाद में बीच में क्या रहता है, क्यू, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा क्यू। इसका आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा क्यू। मैंने लिख के रखा है ताकि कम समय लगेगा और आपको मैं आसानी से इसको समझा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं यह पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है, कि अंग्रेजी अक्षर का कोई भी हो, इंग्लिश अक्षर का बाएं से आठवां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से आठवां अक्षर तो एच है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाने से छठवां अक्षर कौन सा है, दाने से छठवां अक्षर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है, यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन देगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है,
अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो इंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे तो बाएं छोर से सोलहवां अक्षर, तो इंग्रेजी लेटर तो बाएं से, लेफ्ट तो ये है, बाएं छोर से सोलहवां अक्षर कौन सा के, बाएं छोर से सोलहवां अक्षर, छोर से सोलहवां अक्षर, अक्षर का बाएं बारहवां अक्षर, अक्षर का बाएं बारहवां अक्षर मतलब इसी अक्षर का बाएं बारहवां अक्षर, बारहवां अक्षर मतलब ये हो जाता है एक अक्षर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारहवां अक्षर इसमें डब्लू आएगा, डब्लू क्या आएगा, दो आएगा, क्योंकि ये अक्षर अक्षर के यहाँ दो क्वेश्चन आता है, एक के होता है और एक से होता है, के का मतलब जो है ऑफ या टू, एक ऑफ होता है एक टू होता है, जहां पर बोलता है के अक्षर के मतलब एक वर्ड छोड़ के, अक्षर के अगर बोलता है तो क्या एक वर्ड छोड़ के, एक वर्ड को छोड़कर, और अक्षर से बोलता है मतलब उसी वर्ड से लेना है, उसी शब्द से लेना है, जैसे यहाँ क्या बोला अंग्रेजी बोलना का विपरीत क्रम में सोलो में क्रम से, तो ये सोलो में अक्षर तो विपरीत क्रम से ये है, और ऊपर से क्या अक्षर का बाएं, अक्षर के बाएं मतलब बारह अक्षर, तो मैंने एक अक्षर को छोड़कर, छोड़कर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारहवा अक्षर में ये होता है, तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके अलावा एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरह की होता है, अगर आपको बोला जाता है ये भी विपरीत क्रम में बाएं है, बाएं छोर से, और ये भी बाएं, बाएं छोर से मतलब लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो जब लेफ्ट बाएं है और ये भी बाएं है, दोनों तरफ जो बाएं होता है लेफ्ट भी बाएं है और अक्षर का भी बाएं है, दोनों अगर लेफ्ट होगा, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, दोनों अगर लेफ्ट होता है तो हमेशा माइनस होता है, अगर सेम होगा तो लेस होगा, डिफरेंस होगा तो प्लस होगा, ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊंगा। ये भी देखो अगर सेम है, ये अक्षर का बाएं विपरीत क्रम में जाए तो अक्षर का बाएं क्या 16 है, और फिर उसकी भी बाएं 12 है, उसकी भी बाएं 12 है तो 12 है, तो बाएं होने दोनों ओर से क्या होगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करेगा तो अक्षर का कितना हो जाएगा, ये 12 अच्छा 4 हो जाता है। क्वेश्चन में दिया बाएं छोर से, तो बाएं छोर से कितना, एक दो तीन चार डब्लू है, तो डब्लू इसकी आंसर होगा, क्या आंसर होगा, डब्लू होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्णमाला के ए बी जेड एक्स। अगले क्वेश्चन का टाइप इस प्रकार है दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का ए जेड बी वाई सी एक्स सी डब्ल्यू आदि से लिखा जाए तो ग्यारहवां अक्षर का जोड़ कौन सा होगा, यानी कि इसको लिखने का ढंग कैसे, पूरे जो 26 लेटर को है दो भागों में बांट लिया, पहले शुरू से ए से एम तक लिखा यानी एक से 13 तक हुआ, फिर एन से जेड तक लिखा यानी 14 से 26 तक लेटर लिखा, ये भी एक लिखने का तरीका है, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन है जो कौन सी लेटर कितने में आता है और किसके नीचे कैसे आता है, ये नीचे नीचे कौन कौन सा आता है, ये लेटर के नीचे जैसे जे के नीचे क्यू आएगा, बी के नीचे पी आएगा, इसके नीचे नीचे आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे आया हुआ यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का ए जेड बी वाई सी एच ए जेड बी वाई सी एच ऐसे लिखा जाए तो ग्यारहवां अक्षर कौन सा होगा, तो सीधे से आप आ जाओ नंबरिंग दे रखा है, ग्यारहवां अक्षर है के आर पी, ग्यारहवां अक्षर के आर पी, ग्यारहवां अक्षर का जोड़ जो है के आर पी होगा, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि इंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि जेड वाई एक्स इस तरह के ऑपोजिट से लिखा जाए और उसमें से एक अक्षर छोड़ के दूसरे अक्षरों को लेने पर जो नया वर्णमाला बनेगा उसके बीच का अंश कौन सा है, उसके बीच वाला जो अक्षर है वो कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन है। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने जेड से लिख रखा है, जेड से जे तक उल्टा विपरीत क्रम लिखा, उनमें से एक अक्षर छोड़ के दूसरे अक्षर को लेने पर यानी कि एक अक्षर छोड़ना दूसरे अक्षर को काटना, एक छोड़ना दूसरा काटना, एक काटना है, एक छोड़ना है दूसरा काटना, एक छोड़ना दूसरा काटना, एक छोड़ना दूसरा काटना, इस तरह के हमने एक छोड़ देंगे और दूसरे को काट देंगे, उसके बाद एक नया वर्णमाला बनता है, नया वर्णमाला क्या बनता है, नया वर्णमाला यहां पर बनता है जेड एक्स, जेड एक्स तो वी टी आर पी एन एल जे एच एफ डी और बी, ये नया वर्णमाला बना, अभी जो नया वर्णमाला बना है उसके बीच का अक्षर कौन सा, उसके बीच का कितना अंश होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह है तो छह छह बारह हो जाएगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह,
एक दो तीन चार पांच छह, तो बीच में क्या है, एन है, एन इसके आंसर है। इस तरह की जो आपको जैसे बोलेगा उसी हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यदि अंग्रेजी अक्षर के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं और छोर से सातवां अक्षर से बाएं अक्षर के दोनों ओर से कौन कौन सा अक्षर होगा। यानी कि बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा जाए, तो हमने विपरीत क्रम से लिखा जेड से लेके ए तक। उसके बाद क्या बोला, दाएं और छोर से सातवां अक्षर, तो दाएं छोर से वन टू थ्री फोर करके इधर आ गया सातवां अक्षर क्यू है। उसके बाद वहां से बाएं सातवां अक्षर कौन सा है, बाएं से सातवां अक्षर, अक्षर के बाएं कौन सा है, अक्षर के बाएं है एक दो तीन चार पांच छह सातवां अक्षर एक्स है। उसके बाद क्या बोला, ये दोनों अक्षर दोनों ओर इससे कौन सा अक्षर है, दोनों ओर अक्षर क्या है, यह एक्स है, एक तरफ वाई है एक तरफ डब्ल्यू है, एक तरफ वाई है एक तरफ डब्ल्यू है, इसकी दोनों ओर से एक तरफ वाई है एक तरफ डब्ल्यू है, ये बोला गया। दूसरी बार अभी हम शॉर्टकट टेस्ट करेंगे, जब इसको बोला गया क्या बोला, दाएं ओर से यानी कि राइट और दूसरे तरफ बाएं है, तो राइट की तरफ क्या बोला सातवां अक्षर, और लेफ्ट की तरफ बोला बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में सातवां अक्षर, तो हम इसको दूर जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना था चौबीसवां अक्षर होता है। किससे चौबीसवां अक्षर, जब हमने क्या बोला दाएं ओर से, दाएं ओर से चौबीसवां अक्षर, दाएं ओर से चौबीसवां अक्षर सीधा एक्स आएगा, तो एक्स के दोनों तरफ क्या होगा, दोनों ओर कौन कौन सा होगा, दोनों ओर एक वाई होगा एक डब्ल्यू होगा। नेक्स्ट तेरहवां अक्षर का दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है, दाएं छोर से मतलब इधर से राइट से, राइट से कौन सा अक्षर है तेरहवां अक्षर, राइट से तेरहवां अक्षर हम यहां से नंबर शुरू किया वन से तेरहवां नंबर यानी कि एन है, और इनकी दाएं अक्षर की दाएं मतलब उस तरफ हो जाएगा पांचवा अक्षर, अक्षर की दाएं पांचवा अक्षर मतलब एक दो तीन चार पांच यानी कि एस है, क्या है एस है। दूसरी भाषा में शॉर्टकट ट्रिक से आवाज दिखा रहा हूं, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों दाएं मतलब राइट है, दाएं मतलब राइट है, तेरहवां अक्षर है और ये कौन सा पांचवा अक्षर है, तो हम जोड़ देंगे इसको, जब दोनों सेम होगा तो लेस होगा, दोनों सेम होने से राइट होगा तो लेस होगा, लेस होने के ये कौन सा होगा सातवां अक्षर होगा, सातवां आठवां अक्षर आठ पांच तेरह आठ है आठ है, तो आठवां अक्षर होगा किससे, राइट से, राइट से आठवां अक्षर मतलब ये एस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेम लेस और डिफरेंस है प्लस है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख रखा है, दे रखा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में एच और एस के बीच में रहेगा, एच और एस के बीच में रहेगा जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इनके बीच में एच और एस के बीच में कौन सा अक्षर रहेगा, यानी कि अगर हम इसको देखा जाएगा एक इधर काट दे एक इधर काट दे इधर 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 इस तरफ बीच में कोई अक्षर नहीं रहेगा, बीच में दोनों अक्षर रहेगा एम और एन, कोई सिंगल अक्षर नहीं रहेगा, बीच में दोनों अक्षर रहेगा एम और ओ। वर्णमाला में बाएं छोर से बीसवां अक्षर के बाद का अक्षर के बाएं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से बीसवां अक्षर, तो बाएं ओर से वन टू थ्री फोर करके ये लेफ्ट है, लेफ्ट से बीसवां अक्षर बीस है, बीस के बाद का अक्षर, बीस के बाद का अक्षर इक्कीस, इक्कीस नंबर अक्षर क्या यू है, उसके बाद इक्कीस के फिर बाएं अक्षर के बाएं से आठवां अक्षर, अक्षर के बाएं में आठवां अक्षर मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ यानी कि तेरह है, एम है अक्षर क्या है एम है। हम दूसरे ढंग से हम क्या करेंगे, बाएं ए भी लेफ्ट है और दूसरा वाला भी लेफ्ट है, बाएं और दोनों बाएं है बोला, तो दोनों जब सेम होगा तो लेस होगा, अभी क्या बोला अक्षर बीस बोला, अक्षर के बाद का अक्षर यानी कि एक वर्ड और लेना है यानी कि इक्कीस लेना, उनमें से फिर बाएं और आठवां आठ माइनस कर दिया तो तेरहवां अक्षर रह गया, तो तेरहवां अक्षर जो है तेरहवां अक्षर क्या से सीधा से बाएं ओर से बोला तो बाएं ओर से लेंगे तेरहवां अक्षर, बाएं ओर से तेरहवां अक्षर एम है, तो वर्ड क्या है एम है। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले लेफ्ट और राइट को विशेष ध्यान रखा जाएगा, अंग्रेजी अक्षर का हम बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं या लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, और जब मेरा बाएं और दाहिने बोलेगा अगर हम बोर्ड के तरफ देखेंगे तो मेरा बाएं बाएं तरफ होगा, मेरा दाहिने दाहिने तरफ होगा, इसका मेरा इधर से बाएं होता है इधर राइट साइड में होगा, इसको विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस चैप्टर का यही खासियत है, मुझे उम्मीद है ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना शेयर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।